गुड मॉर्निंग यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम मोटरस्पोर्ट। फिर से स्वागत करता हूँ और एक बार आप लोगों को। और ये है डे टू। बेसिकली आज हम लोग जा रहे हैं ये रायगंज से गैंगटॉक। तो जैसे मेरा बीबी देखिए रेडी हो रहा है, हाय। तो हम लोग अभी रेडी है, यहाँ से अभी निकलेंगे। अभी का जो टाइम हुआ है 7। यहाँ से 270 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो देखते हैं 7 घंटे ऐसे लगेगा। तो अभी रुक के जाएंगे, जहाँ पे भी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगा तो वहाँ पे तो फ़ोटो तो खींचना है, वीडियो भी तो बनाना है। ये है एक्चुअली में हमारा रूम है, रूम बहुत ही अच्छा है, साफ भी है, साफ सुथरा भी है। ये है रूम, हम लोगों को ये रूम पड़ा है एक एक दिन में 1300 रुपया करके, और रूम एसी भी है। और ये है टॉयलेट भी साफ सुथरा है। ये है टॉयलेट। रायगंज में आते हैं तो यहाँ आप रुक सकते हैं, मेरी लगे अच्छा मिला रात को, खाना पीना भी तो टेस्टी खाना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं लगेज रेडी है, जैकेट पहनना है और यहाँ से सीधा निकलना है। तो अभी हम लोग निकल रहे निकल रहा है होटल बादशाह से। अभी बाइक में पेट्रोल भरना है। पेट्रोल भराने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके सीधा निकल जाएंगे सिलीगुड़ी की रास्ते पे। अभी सुबह का मौसम बड़ा प्यारा है, अभी गर्मी एकदम नहीं है। देखना पड़ेगा यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ पे है। फिर मिलते हैं पेट्रोल भरने के बाद। चलिए अभी 850 रुपये का पेट्रोल अभी भर लिया हूँ, और अभी पूरा टैंकी अभी फुल है, तो कम से कम तो 450 किलोमीटर तो ऐसे ही चलेगा। जगह है शामसपुर बोल के इसका नाम है। ये मेरा दोनों साइड में जो आप जो देख रहे हैं जो खेत, ये है भुट्टा का खेत है। जीपीएस बाबा ने एक शॉर्टकट दिया है टू व्हीलर के हिसाब से। आप आसपास में देख पा रहे हैं, आप देखिए हरियाली। मेरा दाएं तरफ देखिए, ये है धान खेत, अभी फसल हुआ है, पके नहीं है। दाएं बाएं नजारा काफी अच्छा है। नजारा पूरी दिखा रहा है 117, दार्जिलिंग 174, इस्लामपुर 30 किलोमीटर। फ्रेंड्स क्या रोड मिला है यहाँ से, और सिलीगुड़ी 65 किलोमीटर दूरी पे है, मतलब मक्खन जैसा रोड है। आसपास का नजारा देखो यार, अल्टीमेट, एकदम अल्टीमेट। ब्रेक लिया है, ये सामने मेरा टी गार्डन है, और भी बहुत सारा व्यू तो आने वाला है जो हम लोग देखेंगे। और मेरा बीबी को देखो हंसते हुए, मजा ले रहा है।
ठीक है, उनको मजा लेने दो। थोड़ा और भी गाड़ी को भगाते हैं सिलीगुड़ी के पास। कालिम्पोंग और 86 किलोमीटर बाकी है, कुचबिहार जाना है तो 165, अलीपुर 2 और 194, डिब्रूगढ़ 873। तो हम लोग को सीधा जाना है, तो यहाँ से और ज़्यादा दूर है नहीं गैंगटॉक। तो अभी हम लोग सेवक में जाके लंच करेंगे, लंच करके सीधा वहाँ से निकलते हैं। और आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो वीडियो के साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं सामने। अभी हम लोग सिलीगुड़ी सिटी में आ चुके हैं, सिलीगुड़ी का अंदर से हम लोग जा रहे हैं अभी। गैंगटॉक अभी 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम लोग का टाइम कितना लगेगा? ऐसे जीपीएस दिखा रहा है वही चार घंटे के आसपास लगेगा, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि हम लोगों को लॉन्च भी करना है। अभी भी लॉन्च हुआ नहीं है और अभी का जो टाइम है 1:25। मेरे साइड से जा रहा है सुरजीत पाल और गोविंद ओपी से बैठा है रुकसक लेके। यही है बालोसन ब्रिज। ये है महानंदा ब्रिज। ओ सुंदरता देखिए, सही में क्या व्यू है। हम लोगों का लंच हो गया है। और पार का जो चढ़ाई है स्टार्ट हो चुका है और नेचर ऑफ ब्यूटी तो स्टार्ट हो चुका है साइड में। सेवक काली मंदिर, इससे पहले बहुत बार हम लोग आए हैं पहाड़ में, ऐसे नहीं है ये फर्स्ट टाइम मेरा है। फर्स्ट बाइक राइड है पहाड़ में। बाइक का जो मजा है, जो बाइक राइड करके आते हैं इनको ही पता है फीलिंग्स क्या है। दाएं तरफ तीसरा रिवर है। पहाड़ में जैसे गाड़ी चलते हैं ना, एक मतलब क्या बोले, एक डिसिप्लिन के हिसाब से चलते हैं। कोई ओवरटेक नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हॉर्न नहीं है, एक लेन के हिसाब से चलो, आराम से जाओ। अभी सामने तीसरा बाजार आ रहा है, तीसरा बाजार ब्रिज। हम लोग ऐसे घूम के जाएंगे उस तरफ, इस पहाड़ का काम खत्म और उस पहाड़ में हम लोगों को जाना है। और बीच में थोड़ा रुकना भी है, मेरा वाइफ को थोड़ी सी तकलीफ हो रहा है, तो बहुत टाइम से बैठा है
अभी हम लोग मेली में पहुंच गया है। ये है मेली ब्रिज, ये रास्ता जा रहा है पेलिंग की तरफ। आप सिलीगुड़ी या एनजीपी से आप जब पेलिंग के लिए आते हैं तो इसी जो ब्रिज है यहाँ से आपको जाना पड़ता है। और जैसे रास्ता ये सीधा जाएगा गैंगटॉक की तरफ, और ये जो रास्ता जा रहा है ये रास्ता ऐसे पूरा ऐसे यू टर्न लेके आपको जाना है उस तरफ, तो पेलिंग आपको उस तरफ मिलेगा जाने के लिए। इतना लंबा राइड जो हम लोग किए यही व्यू को देखने के लिए आए। क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। गैंगटॉक और 41 किलोमीटर बाकी है, अभी शाम का टाइम भी है, शाम होने वाला है। शाम का व्यू देखिए पहाड़ का। कम टू सिक्किम, ये है सिक्किम बॉर्डर। अभी हम लोग सिक्किम बॉर्डर में घुस रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। हम लोग सिक्किम में एंट्री ले चुके हैं। हम लोग गैंगटॉक पहुंच गया है और थोड़ा सा बाकी है फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। रूम हम लोग बुक करके नहीं आए तो यहाँ आकर अभी हम लोग को देखना पड़ेगा रूम के लिए। थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पे हम लोग बाइक पार्किंग कर सकते हैं उसी हिसाब से हम लोगों को होटल चाहिए। ये है गैंगटॉक सिटी, बहुत क्लीन भी है ये सिटी और डिसिप्लिन भी है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम होटल में आ चुके हैं, थोड़ा लेट तो हो गया है, थोड़ा गैंगटॉक में होटल ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया है। तो जैसे आज का जो सफ़र था रायगंज से गैंगटॉक तक एकदम बढ़िया था, कोई भी जाए प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग खूब स्मूथली आए हैं, रेस्ट लेते लेते आए हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग अच्छे से होटल में आ चुके हैं गैंगटॉक में। कल हम लोग गैंगटॉक का जो साइट सीन है, जो लोकल जो साइट सीन है, यही हम लोग करेंगे कल। तो ये वीडियो को मैं आज यहाँ पर एंड करता हूँ। कल फिर मिलेंगे दूसरा ब्लॉग लेके। एक्चुअली कल हमारा होगा थर्ड डे, जैसे आज है सेकेंड डे, आपको पता ही है। तो फिर मिलते हैं कल, और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ तो क्या करना है आपको तो पता ही है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। और जो चैनल पे नए हो तो बिल्कुल पहले आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना पड़ता है, जो बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लो। पहले जो मैं वीडियो डालूंगा तो पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये चीज़ मिस मत करना। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।